बसमिल रहीम वालेकुम नाजरीन आप देख रहे हैं फसे पर सच ऑफिशियल और पाकिस्तान मै कुरबान इमरान खान आज जाए में सऊदी अरब से इमरान मुनीर साहब ने कहा यार तुम तो वर्डन पाते तो डे उठ के पाए भाई जो गलत बात होगी तो उड़े उठ के पाँगा वरना नहीं पाँगा ऐसी गल कोई नहीं होगी एक तो ये बात हो गई आपसे ही मेरी ये रौनके लगी दूसरी ये बात करनी है मैंने पहले भी कहा था कि पंद्रह तो पहले पहले खान साहब अंदर <coughs> कोई ना कोई तो अमल किया ही होगा ना जिसकी सजा मिलनी आज हमने बात करना है जी एफ बी आर सी बी आर भी कहते हैं ये जो हमारा खजाना सारा कलेक्ट होता है ना उसको वो एफ बी आर होती है ये इसके जो अब मिनिस्टर हैं साखा डॉलर उससे पहले वो था मुफ्ता इसमाइल उससे पहले शौकत तरीन उससे पहले फीज शेख उससे पहले असद उमर थोड़ी देर रहा मिनिस्टरों की बात कर रहा फिर भी ये ये बंदा जो होता है ना मैं थले नहीं जाना मैं मरना तो ना मरना पचास करोड़ रुपया महीना रिश्वत लेता है कम अज कम भी कम अज कम एक केस ऐसा था हमारे सीनियर शफकत चौहान साहब नाम लेके गल करेंगे पूरे पार के साथ बात देंगे शफकत में मौसम जंग में उनका दफ्तर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे सीनियर है उन्होंने 22 करोड़ रुपया दिया था किसको कासम खान जो था ना ये 2021 में मेरे ख्याल जून में रिटायर हुआ पक्का पटवारी उसका दिमाग एमपीए की टिकट भी थी उसके पास हार गया था मुल्तान से कासम खान साहब जिन्होंने मॉडल टाउन का स्टे दिया अभी तक टली बोल रही है ऐसा ही बगैर थे कहते हैं एजेंट होते हैं कोई सीआईए के लिए काम कर रहा है कोई मसाद के लिए को किसके लिए को किसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने बाईस करोड़ रुपया थोक लहा के गिन के इसको दिया था तो इसने केस पाया ज्यादा नहीं था यार ये सैगलों का था सेल टैक्स का था उन्होंने घपला किया था दो अरब का कितने का दो अरब का चेहते औकात था यार वो तो वो सिर्फ तस्वीर फेर छी थी इस तरह कोई नहीं होना <coughs> अच्छा जी जो, स, जो एक केस में इतना था तो पता नहीं क्या होगा सैगलों के कितने सुमीन ग्रुप नूर ग्रुप पहले तो मिया मंशा थे निषाद ग्रुप थे क्रिसन ग्रुप थे होर ने जाने की कुछ अच्छा जी उनका करवाया था तो शफकत चौहान उनका एडवोकेट था सैटलमेंट थे बाकी शफकत ने भी आखिर कोई दस पंद्रह करोड़ दिहाड़ी लगाई होगी बाकी कान बचा घूम तो मुलक ने तो नीचे जाना ना डिप्टी डायरेक्टर असगर मैंने लगा दिया वो बताएगा जी वो जो तीन हजार दो सौ ट्रिलियन नवाज शरीफ और जरदारी कि मैं चीफ ऑफ आर्मी करे खान अगर होता ना तो आरे के बीच बीच में से चीर देता ये बड़के तो नहीं मारते ना तस्वीर तो नहीं पेटते रियाते मदीना तो नहीं कहते टेलीफोन टेप करवाता है इसके तो नहीं कहते घर से नजर नहीं है आज इसे पेगा जो अगर इंसाफी हैं तो पटवारी हैं तो प्लीज सजे खबे हो जाए हम मैंने तो यह नासूर की बात करनी है ओवरऑल अब जो मौजूदा जो है चेयरमैन है ना वो ये हैं नस, नसीम आसम अहमद ठीक है जी उनकी वेबसाइट से ही आपको दिखा रहा हूँ बाईस में ग्रेड के होते हैं ये आमतौर पर बाईस में ग्रेड के होते हैं अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी अब ये देखें सत्ताईस चार दो हजार बाईस को इसको लगाया गया ठीक है जी जो अभी तक चल रहा इस है इससे पहले डॉक्टर इशफाक अहमद जो रिटायर बाबा जी गोल जे शेर वाले आलू वर्गे खरबूजे वर्गे वो बोलते हैं चौबीस अगस्त दो हजार इक्कीस को लगे थे और सत्ताईस अप्रैल दो हजार बाईस को ट्रांसफर कर दिया फिर ये आ गया खान ने इसको लगाया था डॉक्टर इशफाक इसी वजह से थोड़ी बहुत फेवर करता क्या नहीं लगाया होगा मुझे नहीं पता खान को देता कि नहीं देता शोबाज कहता इसका किचन किस तरह चलता इसके कुत्ते की खुराकें किस में आती ये दो लाख में गुजारा किस तरह करता चौकीदारों के सैलियाँ कहाँ से आती शोभा से रड़ तड़प तड़प के पूछता उस, उसको पता है ना सारे अखराजा कैसे ऐसे हमारे बग़ैर जज साहबान हैं रहता इधर है जाति उम्र में कोई लिंक नहीं इसका इसका जाति उम्र में शिभाष का कोई लिंक नहीं माँ दबे होता है तो प्यो दया नफरत में कर रहा हूं मैं ये बदतमीज ना ये ना समझा कि मैंने इसमें मैं बदतमीज हूँ नफरत में लूटा हुआ इन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया हुआ एक एक खर्चा मोरों का खर्चा वहां मस्जिद में रखी अंदर मोजन का खर्चा बिजली रोटी कपड़ा और मकान ऐसी वहां पे बाजारी औरत रखी हुई उसके भी सारे लल्ले थले खर्चे वहां पे देगे पकते वो भी किचन का खर्चा अल्लाह कीड़े डाले इनको अच्छा जी इनसे पहले से पहले यही आसम साहब थे जो 9 अप्रैल 2021 को आए तो चौबीस आठ दो को ट्रांसफर कर दिया ऊपर से भी आइए मैं आपके ये उनके भी होता है ना चक्कर जो देगा उनको लचिया देगा तो फिर उससे पहले ही खान साहब का सिरो पीरियड बता रहा हूँ जवेद गनी साहब है वो इधर-उधर ही कहीं लगे में आएंगे ये नहीं कहीं जाते वो सात जुलाई 2020 को आए और 9 अप्रैल 2021 को इनको ट्रांसफर कर दिया अच्छा जी उससे पहले मिस नौशीन अमजद नौशीन अमजद जावेद ठीक है जी ये थी चेयरमैन ये खान साहब के पीरियड में भी ये रही ये सात जुलाई 2020 को आई और नौ अप्रैल 2021 को चली गई उससे पहले एक्टिंग थी उससे पहले एक्टिंग थी ये नौशीन छ जनवरी 2020 को आई अप्रैल 2020 में इनको कंफर्म कर दिया कि बीबी तो वही रहेंगी आओ फिर उससे पहले दस मई दो हजार उन्नीस को जो बुड़ -बुड़ -बुड़ करते रहा। सरकार साहब इतना सा रहा। है। जरूर हैं। एक बैग जरूर रखते वगैरा वो, वो, वो आए जनाबेली मई उन्नीस में आए तो जनवरी बीस में उनको निकाल दिया इमरान खान ने बाजवा के कहने पर निकाला आएगा ये ये दुध पीता था चूचू था आया कि करंसी में रहते मैं अभी जी है आज नी मान अच्छा जी उससे पहले तो मोहम्मद जेब खान साहब अगस्त अठारह में आए खान साहब चार्ज लिया ही तो मई उन्नीस में रोड गए अच्छा जी उससे पहले मिस यासमिन थी अब आप इंदाजा लगा लें ले जहां जा, से एक दो तीन चार पंच छे सात आठ आठ यहां पे चेयरमैन लगे हैं इस सारा खजाना इधर ही होता है सेल टैक्स इतना चोरी होता है इतना चोरी होता है राल के खाते हैं यकीन करो बलोचिस्तान कुछ भी नहीं सिर्फ यहां पे सिर्फ एक बंदे को पारना है स्टालिन की तरह या लटका देना है डी चौक के ऊपर तो जो यहां से उसकी बचत तो होएगी हमारा एक सूबा जो है ना बलोचिस्तान कर लो या के, के कर लो स्वीडन या नॉर्वे जितना तरक्की करेगा दिन मार्ग जितना इतनी बचत होनी है इसमें से लेकिन करे कौन है जे वो भी आता चेहरे अब तो डाकू ही आ गए ना उससे पहले शायद खाकानबासी का अपनी एयरलाइन प्राफ़िट में तो गवर्नमेंट की एयरलाइन जिसका ये चेयरमैन भी रहा वो लास्ट में पी आई ये तब्ल्यू एयर है प्रॉफिट में चल रही ठीक है जो जहाज गिर गया था वो अभी तक नहीं क्लेम मिले वो इसी तरह चल रहे थे तो ये जना पहली और जो पचास करोड़ की दिहाड़ी लगाते हैं मिनिमम बता रहा हूँ मैं इससे ज़्यादा कि अरब तक भी है उसमें मिनिस्टर को भी जाता है वजीर अजम को भी जाता है वो ये नहीं होता कि पैसे दे दे किसी किसी और भी होता है किचन का खर्चा को बेटी बूटी की शादी का खर्चा वो सारा हम देंगे जी कोई और ख़तने कराने का खर्चा कोई बाहर गए तो वहाँ का खर्चा बाहर के किचन का खर्चा भी यही ये, ये अब भी यार उठाता है नवाज शरीफ सब जो उधर गए थे ना ऑफिशियल और अनऑफिशियल वो सारा खर्चा वो उसी के दौर में तो जब नवाज शरीफ उधर बीमार रहा मैं उसका बता देता हूँ कि कौन था तारक बाजवा इनका बड़ा जिक्र जान था तारक बाजवा था नासर अहमद ख़ान था और डॉक्टर मोहम्मद अर्ज़ फिर महमूद पाशा अच्छा यहीं पे यहीं पे नहीं मोकी शोबाज़ ने जो मेंबर बोर्ड रखी हुई अपनी वो भी एक मोहतरमा रखी हुई इनसे इन्होंने ठीक है जी वो है सुरैया अहमद ये भी 22 में ग्रेड की है ऊपर भी 22 में है कि ये भी ये सुरैया खाते है ना कले नहीं खाते एक और आपको बता देते हैं एक उन्होंने रखा है पाशा साहब ये है स्पेशल असिस्टेंट टू तो प्राइम मिनिस्टर ऑन रेवन्यू ये तारक महमूद पाशा साहब इसकी बेटी मेरे का फाइनेंस मिनिस्टर है कि कहा पे लगी हुई है ये शोबास के पुराने लगे हुए हैं ये सारे का छत्तर छाया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अल्लाह करे नवाज शरीफ आज इनको नकेल डाल दे कम अज कम फिर नवाज शरीफ कला खाएगा ना यहाँ पे तो फिर रल के के खाते हैं आप और मैं इस तरह देखते कुड़ते मरते रहेंगे दंद हिलाते रहेंगे पसंद आया तो लाइक करने और कमेंट्स भी कीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद